नए प्रयागराज, नए उत्तर प्रदेश के साथ नए भारत का हो रहा है निर्माण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। श्रृंगवेरपुर धाम। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश एवं संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अयोध्या और चित्रकूट की तर्ज पर श्रृंगवेरपुर धाम में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को श्रृंगवेरपुर धाम में किया। इसके पूर्व जय श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में देश भर में हो रहे रामचरितमानस पर चर्चाओं के दौर में श्रृंगवेरपुर धाम में रामचरितमानस पाठ पूजन और महाआरती का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक समेत प्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा। प्रदेश भर में विकास की बह रही गंगा और श्रृंगवेरपुर धाम में विकास परियोजनाओं के साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। श्रृंगवेरपुर धाम पहुँचते ही मंच से सूबे के उप मुख्यमंत्री ने जय श्री राम और गंगा मैया के जयकारे लगाए। इसी के साथ दीप प्रज्वलित करके रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अपने भाषण के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं श्रृंगवेरपुर धाम की धरती से कहना चाहता हूं कि जिस राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लगभग 500 वर्षों तक लड़ी और जिस लड़ाई में हजारों की संख्या में अपना बलिदान दिया, उस लड़ाई पर विजय प्राप्त करने का समय आ चुका है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब नए प्रयागराज, नए उत्तर प्रदेश के साथ में भारत का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह निर्माण कार्य आत्मनिर्भर प्रयागराज, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। साथ ही श्रृंगवेरपुर धाम में आने वाले समय में भी युवाओं के रोजगार के लिए अवसरों का सृजन किया जाएगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषादराज की मित्रता ने विश्व को बंधुता और समरसता का पाठ पढ़ाया है। विभिन्न नदियों के किनारे केवट ने भगवान राम को किसी न किसी रूप में नौ पार कराया। श्रृंगवेरपुर धाम की पवित्र भूमि पर राम केवट मिलन के साथ भगवान राम को नौक से गंगा पार कराने का संदेश विश्व को एकजुट होने का संदेश देता है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में छोटे बड़े उद्योग, कृषि उद्योग, सेना संबंधित उद्योग, स्वास्थ्य संबंधित उद्योग के क्षेत्रों में निवेश के अवसर को बढ़ावा दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 36 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक का प्रस्ताव साइन किया गया है। इसके साथ श्रृंगवेरपुर महोत्सव के लिए जय श्री राम सेवा समिति के पदाधिकारियों को बधाई दिया। माननीय केशव मौर्य जी ने जय श्री राम सेवा समिति आयोजन समिति श्रृंगवेरपुर महोत्सव के द्वारा धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों की सराहना मंच के माध्यम से की। पाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, पूर्व विधायक प्रभा शंकर पांडेय, पूर्व गंगापा अध्यक्ष कन्हैयालाल पांडेय, गंगापा अध्यक्ष अश्विनी दुबे, कुलदीप तिवारी, प्रदीप तेशरवानी, पूर्व चेयरमैन लाल गोपालगंज, कमल कृष्ण मौर्य, राकेश यादव, प्रमुख विनोद तिवारी, अंकित पासी, रामचंद्र फौजी, जगदीश पटेल, मनोज द्विवेदी, आलोक तिवारी समेत भाजपा के नेता उपस्थित रहे। जय श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष संजय तिवारी और महामंत्री अरुण द्विवेदी ने रामायण पुस्तिका, अंगवस्त्र और राम केवट मिलन की प्रतिमा भेंट की। वर्ष 2014 से अब तक बदल चुका है श्रृंगवेरपुर धाम का दृश्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वर्ष 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव फूलपुर सीट से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फूलपुर सीट की जीत इतिहास की जीत रही है। 2014 से पहले और 2014 के बाद का श्रृंगवेरपुर बदल चुका है और आने वाले 2025 में कुंभ के पहले श्रृंगवेरपुर धाम से संगम के बीच की दूरी, इसके साथ अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राम वन गमन मार्ग प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। वर्ष 2025 से पहले इस कार्य को पूरा किया जाएगा। मंच का संचालन आभा मधुर ने किया। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। और हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में श्री रामलला की जन्मभूमि है और प्रयागराज के दौरान यहाँ प्रयागराज जी के आश्रम त्रिवेणी संगम के दर्शन भगवान के आश्रम में गए और चित्रकूट में लंबा समय उन्होंने बिताया। या सभी रामायण सर्किट भगवान के सरकार के प्राप्त।